गौरव जी, एक सवाल मेरा आपसे है और बिना किसी पूर्वाग्रह को लेकर यह सवाल है। 3 साल में अपना अस्थाई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं तलाश पाई कांग्रेस, आपको नहीं लगता है कि ये चिंतन मंथन की एक बड़ी वजह है? एक ऐसी पार्टी की जो इतनी पुरानी पार्टी और सामने बीजेपी जैसी जो 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी से कॉम्पिटिशन है। देखिए, अजय जी ने कहा आत्ममुग्धता। अजय जी, इसी शो में आपके सामने आप ही के सहयोगी, वरिष्ठ है कि कनिष्ठ है मुझे नहीं पता, बिहार में आपके साथ वो कहते हैं 1 से 10 तक हमारा तो एक ही लीडर है, तो इसको क्या कहेंगे अजय जी? ये आत्ममुग्धता नहीं है तो ये क्या है? आपने उस समय तो उनको नहीं रोका अजय जी कि ए मिस्टर हु आर यू टू से 1 to 10, तो ये आत्ममुग्धता नहीं है तो क्या है? फिर आम आदमी पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, ये बोल रहे हैं केजरीवाल मॉडल। देखिए, मैं मान साहब को आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति से सावधान रहे, ये कुमार विश्वास को साथ ऐसा कर सकते हैं, जब ये दूसरे जो आम आदमी पार्टी के दूसरे जो फाउंडर मेंबर्स रहे हुए योगेंद्र यादव को मक्खी की तरह निकाल सकते हैं, भले ही ये दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स को मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं, मान साहब ध्यान रखिएगा, ये आदमी रिलायबल नहीं गौरव है, जी आपने मेरा सवाल नजर रखिएगा। फिर अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे शुभांकर जी, कि आपने कहा कि भाई 3 साल में आपने क्या क्या, आपने क्या किया? मैं जवाब देता हूँ शुभांकर जी, 3 साल में चीन भारत के अंदर घुसा, पूरे हिंदुस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर थी जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, हाथरस में, लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई जा रही थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा कौन खड़ा था? सर, उसी लखीमपुर की जनता ने वहां पर सीटें बीजेपी को दे दी है। आपकी सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा इस चर्चा का विषय है। मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हम हारे, हमारे नतीजे अपेक्षित नहीं रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर लड़ेंगे। अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के पहले ही कहते हैं गांधी परिवार का कोई लेना देना नहीं इसमें। कांग्रेस, आपको लगता है इस तरह से चिंतन मंथन हो पाएगा सर? कांग्रेस 24/7 विपक्ष का काम कर रही थी, भले वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां पे सड़कों पे कौन खड़ा था? कोई खड़ा नहीं था शुभांकर जी। नहीं, ठीक है सर, आप देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं या तो आप जनता को समझा नहीं पाए या जनता के फैसले को समझ कर भी आप ना समझ बन रहे हैं, क्योंकि उसी लखीमपुर से वहां बीजेपी जीत कर आती है और लोकतंत्र में शायद पैमाना ही। अजय आलोक जी और जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा छोटा कमेंट जी। मैं गौरव वल्लभ जी को बताना चाह रहा हूँ कि आत्ममुग्धता से मेरा मतलब सभी से था, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध नहीं है गौरव जी। अगर विश्वास ना हो तो जब हम लोग गठबंधन में यहाँ पे मिलकर सरकार चला रहे थे 2016 में, तो आपको याद होगा 15 में हमने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे, ठीक है। और इस योजना से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस योजना को पूरे देश में लागू की थी और बिहार की तारीफ की थी, ठीक है। बिहार पहला। जसमीन शाह साहब, आपकी पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं गौरव साहब ने और सुझाव भी दिया। मेरे जवाब दे, मैं आऊंगा सही है जफर साहब, आऊंगा एक बार, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, एक बार उसका रिएक्शन लेता हूं फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार देश की जनता ने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल जी को खालिस्तानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि किसी ने फलाने 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 ने ये बात कर दी, कोई इसका आधार नहीं था। हमें, मैं यहाँ पे जवाब देने नहीं बैठा हूँ, पंजाब की जनता ने ये जवाब दे दिया है। कोई भी पार्टी जब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने खड़ा हुआ, कोई भी पार्टी अपने काम नहीं गिना रही थी। कांग्रेस ये नहीं कह रही थी कि 5 साल हमारी सरकार थी सत्ता में पंजाब में, हमने ये किया नहीं किया, बस कह रहे कि ये खालिस्तानी है। अरे, देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री को आप टेररिस्ट कह रहे हो, पहली बार नहीं हो रहा है। 2020 में भी जब दिल्ली के चुनाव हुआ है तभी इन्होंने यही कहा, दिल्ली के जनता ने जवाब दे दिया, पंजाब की जनता ने अब जवाब दिया। तो मेरा गौरव जी और कांग्रेस और भाजपा सबसे यही कहना है कि काम कीजिए, लोगों को केवल काम की पड़ी है, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के सामने एक विकल्प है, केजरीवाल और आम आदमी आपको सत्ता से उखाड़ देंगे, ये घमंड मत रखिए आप।